अगर आपके पार्टनर को आपको ऑस्ट्रेलिया में लेके आना है तो कितना टाइम लग सकता है? अगर आपके पार्टनर को आप शादी करते हो, ऑस्ट्रेलिया में पीआर सिटीजन हो, आप ओवरसीज जाके शादी करते हो और वहां से आपको पार्टनर को ऑस्ट्रेलिया लेके आना है तो आपको यूजुअली 309 और 100 वीजा अप्लाई करना पड़ता है। अभी रिसेंटली उसका टाइम चेंज हुआ है, लेकिन पहले उन्होंने ऐसा बताया था कि 90 मंथ्स मतलब 8 साल तक का टाइम लग सकता है, तो ये टाइम रीजनेबल नहीं है। तो अगर आपको पार्टनर को जल्दी ऑस्ट्रेलिया में लेके आना है तो उसके लिए कोई रास्ता हो सकता है? तो यस, एक छोटा सा रास्ता है कि अगर आप अपने पार्टनर को पहले टूरिस्ट वीजा पे लेके यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आके आप उनका पार्टनर वीजा लॉन्च करते हो, इन दैट केस आपके पार्टनर को 820 वीजा होगा, क्योंकि वो ऑफशोर वीजा होता है, वो 309 होता है और उसमें जब प्रोसेसिंग होगी तब आपके पार्टनर को वहां ऑफशोर ही रहना पड़ेगा, दे कैन नॉट ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर का ऑनशोर पार्टनर वीजा लॉन्च करते हो तब जाके आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ रह पाएंगे, आपके साथ साथ काम कर पाएंगे और उनके पास मेडिकेयर के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो 820 वीजा और 801 का कंबाइन एप्लीकेशन होता है, तो अगर आप मैरिज करते हो और अपने पार्टनर को यहाँ पे टूरिस्ट पे लेके आते हो, इन दैट केस आपका यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है वो कम हो जाएगा, आपको आपके पार्टनर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा एंड यू कैन लिव हैप्पीली इन ऑस्ट्रेलिया टुगेदर। सो ये बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए अगर आपको कोई टिप्स या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। आई एम कृणाल नायक, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।